हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आज लेकर आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक वर्ब का ही, कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब प्रेरणातक क्रियाएं, इन्हें बोलते हैं कि प्रेरणातक क्रियाएं। बेसिक क्या होता है कि प्रेरणातक क्रियाएं, जब सेंटेंस में जब सेंटेंस में स्वयं सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो पॉजिटिव वर्ब के रूप में मेक, हैव, गेट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका बनता है स्ट्रक्चर एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव एक्टिव बेस। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट में स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर इसमें क्या होता है, टू ना लगकर इन्फिनेटिव, टू ना लगकर आए, क्या होता है इसे बोलते हैं पेयर इन्फिनिटिव। जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए इसे बोलते हैं पेयर इन्फिनिटिव, पेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, पेयर इन्फिनिटिव होता है जब सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेयर इन्फिनिटिव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, आई मेड हिम लाफ, मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लाफ, तो मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ। सेकेंड बनाया, द मदर मेड द चाइल्ड टू स्लीप, यहाँ पर टू स्लीप नहीं होगा, पेयर इन्फिनेटिव होना चाहिए। पेयर इन्फिनेटिव कभी भी टू लगकर नहीं बनता, इसलिए स्लीप होगा ओनली, टू नहीं लगेगा। तो द मदर मेड द चाइल्ड स्लीप सही होगा। मैंने रोहन को रुलाया, आई मेड मोहन बीप, मैंने रोहन को रुलाया, मैं रोहन को रुलाऊंगा, आई विल मेड मोहन बीप। मैं रोहन को रुलाता हूँ, आई मेक मोहन बीप, मैं मोहन को रुलाता हूँ, आई मेक मोहन बीप, मैं मोहन को रुलाया तो आई मेड मोहन बीप। ठीक, याद। और भी हैं, मैंने लड़कों को दौड़ाया, आई मेड बॉय रन, जब पास्ट की बात आएगा तो मेड आएगा। मैंने मोहन को हंसाया, आई मेड मोहन लाफ। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल है, ही मेड मी टू अंडरस्टैंड द होल मैटर, नो एरर। इसमें देखो हमने तो आता है पेयर इन्फिनेटिव हमेशा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, पेयर इन्फिनेटिव होता है जो आधा होता है, जिसमें टू लग के नहीं आता है। ठीक है, उसने मुझे समझाया, आई मेड मी अंडरस्टैंड द होल मैटर, ये सही है, इसमें टू नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर टू में स्ट्रक्चर नंबर टू पढ़ते हैं, रूल नंबर टू में स्ट्रक्चर नंबर टू पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर टू में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सीधा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे ही बोलते हैं क्या, इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं इसे, इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेयर इन्फिनेटिव। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, आई वॉज मेड टू लाफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे हंसाया गया, ये पैसिव बनता है, क्या बनता है, पैसिव बनता है। ठीक है, जैसे मुझे रुलाया गया, आई वॉज मेड टू बीप, मुझे रुलाया गया, आई वॉज मेड टू बीप। नोट, पैसिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमने बताया कि जब इन फुल इन्फिनेटिव बनता है तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और यही क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है। और एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव क्या होता है, एक्टिव और पैसिव के दोनों एग्जाम्पल देखो, मैंने घोड़ों को दौड़ाया तो ये क्या है, एक्टिव है, आई मेड हॉर्सेज रन। ठीक है, मैं घोड़ों को दौड़ाया गया, पैसिव है, द हॉर्स वॉज मेड टू रन। इसके बाद दूसरा है, हाथियों को चलाया गया, द एलिफेंट इज मेड टू वॉक, वॉक पैसिव बना दिया, टू वॉक लगेगा ना कि वॉक। हाथियों को चलाया गया तो द एलिफेंट इज मेड टू वॉक या रन। ठीक है, इसको अगर हम क्या बनाएंगे, इसमें हार्ड या वर्क का यूज करते हैं, दे आर मेड टू
वर्क ए भी क्या है, उससे काम कराया गया या उससे काम कराया गया, ठीक है। आई मेड द स्टूडेंट डू, मैंने छात्रों को क्वेश्चन कराया। आई मेड द स्टूडेंट डू डू, ठीक है, मैंने क्वेश्चन छात्रों को क्वेश्चन कराया, कुछ कराया, ठीक है। इसके बाद सी विल बी मेड बीप दैट डे, नो एरर, उसे इस दिन रुलाया जाएगा, इसे कहते हैं उसे इस दिन रुलाया जाएगा, मतलब क्या होता है, पेयर फुल इन्फिनिटिव बनेगा तो बीप नहीं आएगा, यहाँ पर टू प्लस बीप आएगा, ठीक है। एक्टिव बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसे बनाने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ध्यान रखना कॉजेटिव वर्ब में। नोट, नोट में उपयुक्त सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य में भाग लेता है, उपयुक्त नोट में, नोट हम पढ़ेंगे इसमें, नोट में क्या है, नोट में हम पढ़ रहे हैं कि उपरोक्त सेंटेंस में सब्जेक्ट कार में भाग लेता है, सब्जेक्ट जो है कार में भाग लेता है, स्ट्रक्चर नंबर थ्री, जिसमें कि स्ट्रक्चर नंबर रूल नंबर थ्री, जिसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर थ्री और स्ट्रक्चर नंबर थ्री भी पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस टू हैव, टू हैव में टू हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब टू हैव मतलब होता हैज हैव हैड। मैंने अपना बाल कटवाया, आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपना बाल कटवाया, आई हैड माई हेयर कट, ठीक है, आई हैड माई हेयर कट, या तो गेट आएगा या तो गॉट आएगा। सो आई हैड, यहां पर क्या होगा दूसरे में, इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, आई हैड या गॉट माई हेयर कट, सेम ही है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आई हैव कट माई हेयर, मैंने अपना बाल कटवा काटा काट काट लिया, ठीक है, आई हैव कट माई हेयर। मैंने अपनी कार सुधरवाई, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार सुधरवाई, आई हैड माई कार रिपेयर, मैंने अपनी कार सुधारी, आई हैड रिपेयर्ड माई कार, दोनों ही डिफरेंस अलग है, ठीक है, सुधरवाई और सुधारी दोनों ही अलग है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल और भी है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिपेयर्ड हिज फोन बाय द मशीन मैकेनिक, सॉरी बाय द मैकेनिक, उसने मुझे बताया कि उसने अपना फोन मैकेनिक के द्वारा सुधरवाया, सुधरवाया, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड हिज फोन रिपेयर्ड बाय द मशीन, ठीक है, ये सही होगा। मैंने अनेक पौधे लगवाए, सो आई हैड मैनी ट्रीज प्लांटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आती है, ठीक। नेताजी ने सड़क की मरम्मत करवाई, तो करवाई है, तो द लीडर गॉट या हैड, हैड या गॉट द रोड रिपेयर्ड, रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। मैंने अपनी कार धुलवाई, आई हैड माई कार वॉश्ड, उसने अपने खेत जुताई कराई, ही हैड हिज फील्ड फ्लग्ड, मैंने अपने कमरे को पुतवाया, आई हैड माई रूम पेंटेड, मैंने अपने कमरे को लाल रंग जतवाया पुतवाया, आई हैड माई रूम पेंट रेड, पेंटेड रेड। नोट, अब यहाँ पर नोट देखते हैं, जैसा कि उसने बताया कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, ध्यान रखना, इन सभी जितने भी सेंटेंस हमने पढ़े हैं, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य स्वयं भाग नहीं लेता, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किसी दूसरे से करवाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉजिटिव वर्ब से ही बनाते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ, स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर क्या है, इसमें स्ट्रक्चर क्या है, ए वाला स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर और भी है, नोट में नोट करके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड,
प्लस हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन या कुड हो सकता है, या हैव या गेट में से एक आ सकता है, ठीक है। तो मोहन सोहन को पिटवा सकता है, तो मोहन मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, दूसरे से करवाता है, तो मोहन कैन कैन हैव गेट सोहन बीटन। अमीर व्यक्ति जब चाहे सब जब कुछ करवा सकता है, अमीर व्यक्ति चाहे सब कुछ करवा सकता है। द रिच कैन हैव पूरा आएगा, कैन हैव या गेट आएगा। द रिच कैन हैव गेट ऑल दिस, ऑब्जेक्ट है ऑल दिस डन। मोहन एक पत्र लिखवा सकता है, तो मोहन कुड हैव गेट गेट अ रिटन अ लेटर रिटन बस की थर्ड फॉर्म। वह मुकदमे से अपना नाम हटवा सकता है, ही कैन हैव गेट हिज नेम स्ट्रक्ट ऑफ फ्रॉम द केस। स्ट्रक्ट ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द केस। मैं यह सड़क बनवा सकता हूँ, आई कैन हैव दिस रोड बिल्ड। मैं रिपोर्ट तैयार करवा सकता हूँ, आई कैन हैव रिपोर्ट प्रिपेयर्ड। स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव या गेट, हैव या गेट में से एक आएगा। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए प्रेजेंट में होगा। अगर हम पास्ट की बात करें तो बी वाला पोजीशन सब्जेक्ट प्लस शुड हैव गॉट, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव गॉट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में होगा। तो इसमें है तुम्हें एक पत्र लिखवाना चाहिए, यू शुड हैव, तुम्हें एक पत्र लिखवाना चाहिए, यू शुड हैव द लेटर रिटन। तुम्हें एक पत्र लिखवाना चाहिए था, सो यू शुड हैव गॉट द लेटर रिटन रिटन, याद रखना। तुम्हें एक मकान बनवाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉट द हॉर्स मेड या बिल्ड, यू शुड हैव गॉट द हॉर्स मेड या बिल्ड। तुम्हें मोहन की मदद करनी चाहिए, यू शुड हैव मोहन हेल्प्ड, यू शुड हैव मोहन हेल्प्ड। तुम्हें अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए था, यू शुड हैव गॉट योर टीचर रिस्पेक्टेड। तुम्हें यह सब करवाना चाहिए, यू शुड हैव ऑल दिस डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें नियमित कमरा साफ करना चाहिए, यू शुड हैव द रूम क्लीन्ड रेगुलरली, ठीक है। अब फिनिश्ड हो गया यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब फिनिश्ड। यहाँ से कुछ और वर्ड, अपना बाल कटवाओ, सो गेट या हैव योर हेयर कट, कट थर्ड फॉर्म है। ताला तोड़वाओ, गेट या हैव द लॉक ब्रोकन थर्ड फॉर्म। क्या वह यहाँ अपने बाल कटवाता है, सो डज ही हैव हिज हेयर कट हेयर। उसने एक बड़ा मकान बनवाया, ही हैड गॉट द बिग हाउस बिल्ड।
माता ने बच्चों को सुलाया, द मदर मेड चाइल्ड स्लीप, स्लीप थर्ड फॉर्म स्लीप स्लीप होती है। उसने पौधे में पानी डलवाया, ही हैड गॉट, ही हैड या गॉट, गॉट द ट्रीज वॉन्टर्ड वॉटर्ड। उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, ही हैड द लेटर रिटन बाय मी। वह मुझसे यह काम करवा सकता है, ही कैन हैव दिस वर्क डन बाय मी। उसे काम पूरा करवाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉट द वर्क डन। तुम्हें गरीबों को खिलवाना चाहिए, यू शुड हैव पुअर फेल्ड। रिपोर्ट तैयार कराओ, गेट या हैव द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड कॉजेटिव वर्ब समाप्त, फिनिश कॉजेटिव वर्ब।